भारत सचमुच अद्भुत परंपराओं और संस्कृति से भरा देश है। यहाँ पूरे देश में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। बुराई पर सच्चाई की जीत स्वरूप रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ रावण का दहन नहीं बल्कि उसकी पूजा होती है। सतना में पिछले 40 सालों से कोठी थाने परिसर में बनी वर्षों पुरानी रावण की प्रतिमा पर रहने ही निवासी रमेश मिश्रा और उनका परिवार पूजा करता चला आ रहा है। रमेश मिश्रा और उनके परिवार का कहना है कि वे सभी रावण के वंशज हैं, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। इनके अलावा भी गांव के काफ़ी लोग खुद को रावण का रिश्तेदार मानते हैं। रमेश मिश्रा ने कहा कि रावण सबसे ज्ञानी थे, जिन्होंने ब्रह्म विष्णु महेश तीनों देवताओं को अपनी तपस्या से खुश किया था। उन्हीं के लिए राम जी की लीला रची गई और रावण का अंत किया गया। रावण में अहंकार भले ही रहा हो, लेकिन उनकी भक्ति तप और ज्ञान पूजने लायक है। ये परंपरा लगातार चलती रह गई। यहाँ पर रावण की मूर्ति बनवाई गई, सामने राम चबूतरा था, 15 दिनों तक लगातार रामलीला का मंचन हुआ करता था और उसके पश्चात आज के दिन पहले रावण की सुबह पूजा हुआ करती थी और शाम को रावण वध हुआ करता था। उस परंपरा को हमारे बड़े भाई साहब रमेश मिश्रा जी ने लगातार जीवंत कर रखा है। ये हम लोग 40 वर्ष से दशानन की पूजा करता चला आ रहा हूँ। इसके पहले हमारी पीढ़ी भी राजा, जब राम राज्य था, राजा स्टेट थी, स्टेट के जमाने से हमारे पूर्वज करते चले आ रहे थे और मैं भी पूजा करता हुआ चला रहा हूँ, क्योंकि उनकी अच्छाइयाँ हैं। सबसे बड़े विद्वान, ज्ञाता, शास्त्र में ज्ञाता, संगीत में विद्वान, वेद में विद्वान, जिनको लीन जिसके लिए भगवान राम को अवतार लेना पड़ा,